बार बार आप लोग कह रहे हैं पीड़ा में लिया गया फैसला, मतलब ये जो दाग लगे हैं आप ये कह रहे हैं कि ईमानदार कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल उन पर भ्रष्टाचार के दाग, भ्रष्टाचार का कीचड़ उछाल दिया गया बीजेपी की तरफ से, वो दाग धोने के लिए इस्तीफा दिया गया, ये कह रहे हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अल्टीमेटली एक नेता के लिए जो जनता की अदालत होती है वो सब कुछ होती है, वही हमारी भगवान है जो हमको चुनती है, जो दो बार जनता ने मुझे चुना, अरविंद जी को तीन बार चुना, वो हमारी भगवान है। तो हम उनके सामने जा रहे हैं कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है कि जो बीजेपी ने झूठ बोलाया वो सच है, तो बात खत्म। फिर आप लोग ऐसी दलीलें देते हैं तो मेरे मन में सवाल आता है कि राजनीति में पहले नौसिखिया थे आप लोग या अब आप लोगों ने ज्यादा बेहतर तरीके से राजनीतिक कला सीख ली है, क्योंकि वो दौर जब आप लोगों की जेबों के अंदर लिस्टें हुआ करती थी जिसमें आप सबके नाम पढ़ पढ़कर बताया करते थे और उन नेताओं को भ्रष्टाचारी बताते थे, वो सब भी तो जनता की अदालत से पास होकर ही जीते हुए नेता थे ना सर, तब तो आप लोग कीचड़ उछालने में कोई कसर छोड़ते नहीं थे राजेश जी। अब जब अपनी बारी आई तो नियम बदल लिए, उन नेताओं के लिए आप लोगों का नियम था कि कानून की अदालत से इनको साफ सुथरा होकर निकलना है, और अब जब अपने पर आई तो जनता की अदालत से हम साफ सुथरा होकर दिखाएंगे, ये क्या बात हुई? अच्छा मैं कह रहा हूं सवाल 15 सेकंड का है तो जवाब एक मिनट का तो देने दो, दो मिनट दीजिए, तो उल्टा हो रहा है। देखिए जनता की अदालत में जाना पड़ेगा, देखिए 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 पहले के माहौल में आज के माहौल में बहुत फर्क है। आज जिस तरीके से भाजपा की सरकार चल रही है कि या तो जीत नहीं मत दो, वोट काट दो, बांट दो, कुछ कर दो, बाद में एमएलए खरीद लो, नहीं हो सकता है तो झूठे आरोप लगाओ। जैसे अजीत पवार का 70,000 करोड़ का घोटाला, सस्ता झूठता भगवान जानता है, लेकिन अजीत पवार जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सॉरी उनका गठबंधन ज्वाइन कर लिया। हेमंत शर्मा पे आरोप लगा, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, बात खत्म। तो ये चाहते थे कि अजीत पवार, अरविंद केजरीवाल अजीत पवार की तरह रिएक्ट करें, मनीष सिसोदिया हेमंत शर्मा की तरह रिएक्ट करें, इनकी पार्टी में आ जाए या महागठबंधन इनके गठबंधन में आ जाए, नहीं आए तो ये क्या करते हैं कि बड़े नेता को उठा के बंद कर दो, पार्टी को पीछे से डरा के धमका के तोड़ दो कि अरविंद केजरीवाल तो है नहीं, चार बड़े नेता हमारी पार्टी के बंद कर दिए भाई, और उसके बाद में और भी जो नेता जो साफ सपोर्टिव रोल में थे उनको बंद कर दिया। आप बताइए कि वो पार्टी तो टूट जाती ना, लेकिन ये पार्टी एक आम पार्टी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं ये एक आंदोलन से निकला हुई एक क्रांति है जिसको इस तरीके से नहीं खत्म किया जा सकता, इसलिए कोई नहीं टूटा। देखिए दिल्ली की राजनीति के बेताज बादशाह जवाब दिए, मैं चलती हूँ जफर इस्लाम साहब के पास, दिल्ली की राजनीति के बेताज बादशाह मतलब अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के जितनी प्लानिंग थी उस सब पर पानी फेर दिया और बीजेपी को इस वक्त स्ट्रेटजी रणनीति के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने चारों खाने चित कर दिया। सैयद जफर इस्लाम देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने ऐसा कहावत सुना है, ये हसीन सपने देखने दीजिए राजेश भाई और उनकी पार्टी और केजरीवाल जी को। अगर कहेंगे तो आम आदमी पार्टी आपको कब से दिल्ली की सत्ता के हसीन ख्वाब दिखा रही है उसको भी गिन लीजिए सर, मुस्कुरा रहे हैं राजेश जी यहां पर, ठीक है बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा देखिये मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिये 2013 से जो एक इमेज उन्होंने और राधा 2012-11 से जो उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टाइम पे दूसरों के कंधे में बैठ के एक इमेज बनाया था, लेकिन सत्ता की मोह थी, सत्ता की लालच थी, और वो उन्होंने दिखाया कि 2014 में जो भी उनके करीबी लोग थे सबको लात मार के निकाल दिया और ऐसे लोगों को रखा जो उन पर क्वेश्चन ना कर सके, सबको बाद में लाया। नज़दीकी लोग तो सबको निकाल दिया, यादव जी को और वो बहुत सारे लोग थे सबको निकाल दिया। हकीकत यह है कि इनका जो कोई भी जो उनको क्वेश्चन कर सकता था उन सभी लोगों को निकाल दिया ताकि करप्शन का जो इमेज बना, अगेंस्ट करप्शन का जो इमेज था वो कंटिन्यू ना रह पाए, इसलिए उन लोगों को निकाला और फिर करप्शन में जुट गए। इसलिए जनता भी समझ चुकी है कि 2011 में क्या इन्होंने मुखौटा पहना था और अब मुखौटा उठ गया तो अब क्या दिखता है, इसलिए जनता के दरबार में गए, जनता के दरबार में ही हार इनकी होगी और वहीं से जो है सत्ता पलटेगा और यहाँ जनता करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो हम लोग विश्लेषण ही कर सकते हैं और ऐसे में जरा जल्दी से राकेश शुक्ला जी का रुख करते हैं। राकेश शुक्ला जी अपने इस दाव से कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में तमाम मुद्दे जिसको लेकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल सरकार की दिल्ली सरकार की घेराबंदी करती रही उन तमाम मुद्दों को पीछे धकेल दिया, क्या अब की बार दिल्ली विधानसभा चुनाव की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ चेहरे पर अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही लड़ी जाएगी और यही अभी की तारीख में सबसे बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है विरोधियों के मुकाबले? नहीं देखिए आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल से शुरू अरविंद केजरीवाल जी पे खत्म, और अरविंद केजरीवाल जी जो 2025 का चुनाव है वो कुल मिला के अपने पर ही फोकस रखना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले यही मुद्दा उठाया
कि दिल्ली की जनता ईमानदार व्यक्ति को चुनेगी तो मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं एक चीज समझना चाहता हूं रोमाना जी, कि जो सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके की शर्तें अभी रखे हुए है अरविंद केजरीवाल जी को, और उन्हीं शर्तों की बंदिशों के चलते ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है, तो क्या फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट वो शर्त हटा देगी कि अरविंद केजरीवाल जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और दिल्ली आम आदमी पार्टी तो उन्हें बंदिशें मान ही नहीं रही है? नहीं मान रही तो फिर उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, फिर तो कैबिनेट की बैठक करना चाहिए, सारी फाइलें माननी चाहिए, सारी फाइलें माननी चाहिए। कि वो बैठक तो कहीं भी हो सकती है, उसके लिए तो क्यों नहीं किए? तो मैं कह रहा हूँ ना, क्यों नहीं कह रहे हैं कि जनता की अदालत में जा रहे हैं हम अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए? मैं ये कह रहा हूँ तो फिर करना चाहिए। और कैबिनेट में जो पारित हुआ था उनका 1,000 रुपए महीना देने का, उसको लागू कर देना चाहिए। और तमाम फैसले जो रुके हुए थे वो फैसले अमल में आए, इसके लिए उन्होंने आरसी जी को बनाया है। तो क्या फरवरी 2025 के बाद वो सारी शर्तें सुप्रीम कोर्ट हटा देगी? मैं राजेश जी से यही समझना चाह रहा हूँ, इसलिए वो एक नैरेटिव बना रहे हैं। लेकिन सर जब आप ये कहते हैं तो आप तो फिर वहीं पर आ गए ना जिस पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं। वो जो पहले सवाल था कि क्या ये इस्तीफा मजबूरी में दिया गया, क्या और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ था, ये तो वहीं पर आ गए। इसका जवाब तो पहले दे चुके हैं राजेश जी, दोबारा मजबूरी नहीं होती। राकेश शुक्ला जी के सवाल का जवाब दे दीजिए। राजेश गुप्ता जी वो कह रहे हैं कि साहब ये मजबूरी है और यही स्थिति बनी रहेगी, ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं, तो फिर फरवरी में दोबारा ताजपोशी? मतलब देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, दोबारा बोले देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसी फाइल पे साइन करेंगे अरविंद केजरीवाल जी जो एलजी साहब पे जाएगी। लगभग दिल्ली की सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाती है। दूसरी बात, अगर कैबिनेट की मीटिंग करनी होगी घर पे कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह देता, उनको कह देता कि सीएम से आप स्टेप डाउन हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बड़े क्लियर बात है कि हमने अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया है सिर्फ इसलिए लिया है कि जो एक पीड़ा है, जो एक ईमानदार आदमी के ऊपर बेमतलब के इल्जाम लगाए गए, वो जनता की अदालत में जाना चाहते हैं। और जनता जब ये डिसाइड कर देगी, एक सवाल का जवाब दीजिए, जनता की अदालत में तो अभी 24 चुनाव में भी गए थे ना, और 24 चुनाव में भी अभी इसी दलील के साथ गए थे कि जेल का जवाब वोट से दो, तब तो जनता ने साथ दिया नहीं, फिर अब जनता अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को भाव क्यों देगी? सर देखिए, उस टाइम अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ प्रचार के लिए बाहर आए थे, वो एक चुनाव अलग होता है अरमोला जी, आप जानते हो वो चुनाव अलग है। और ये दिल्ली का चुनाव है जहां के ऊपर वो खुद 3 बार के मुख्यमंत्री है, और ये चुनाव बहुत अलग होता है, क्योंकि इसमें जो आपने भी बात की, जो आतिशी जी ने बात कही कि दिल्ली की जनता को जो फायदा देते हैं, जो उनकी मदद करते हैं, जो मोदी जी ने तो सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, पेट्रोल डीजल के रेट ये घटाते नहीं, जीएसटी पे जीएसटी लगाते हैं, हम जो उनकी मदद करते हैं, जो महिलाओं को बच्चों में फ्री यात्राएं कराते हैं, बिजली पानी की सुविधा देते हैं, हमने जो कैमराज लगाए हैं, हमारे विधायक जो गली गली जाके उनसे मिलते हैं, वो सब कुछ छिन जाएगा। ये भी तो समझिए ना, भारत के चुनाव एक अलग चुनाव था, उसमें तो कुछ छिन नहीं रहता उनसे, लेकिन इस चुनाव में बहुत कुछ स्टेक पे है, एक घर के 10,000-15,000 रुपए महीने स्टेक पे है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी हटे, तो इसीलिए ये चुनाव एक अलग चुनाव है। और हम दिल्ली की जनता से पूछेंगे सवाल को कि क्या आप चाहते हो सुविधाएं हट जाए, क्या आपको नहीं लगता आपका आपका बेटा अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, हम भी पूछेंगे और जनता को डिसाइड कर लेने दीजिए। ठीक है, और मुझे लगता है, अच्छा हमारे तो छोड़िए, जफर इकबाल भाई बताओ 93 के बाद में, एक लाइन में कह रहा था, आज तक दिल्ली के चुनाव में एक बार बीजेपी जीती है, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए थे उन्होंने 93 के बाद में, एक बार जीते थे। जफर साल हो गए वनवास, जल्दी से 30 सेकंड में, सर समय नहीं है मेरे पास, जवाब दे दीजिए उनके सवाल का। देखिए, ये जो जिस तरह से लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं वो जनता समझ चुकी है, ये इन्हें राहत तो भी मिली नहीं है। जब तक कोर्ट से राहत ना मिले उनको मुख्यमंत्री के रोल को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने का, तब तक ये कर ही नहीं सकते हैं। जनता के अदालत में जाने की बात कर रहे हैं, उन लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।